हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो पीएफसी में आप देखेंगे तो एक अच्छा मूव हमको देखने मिला है। 13% का गेन हमको देखने मिला है पीएफसी में। स्टॉक मूव हो चुका है 230 से 260 तक के लेवल्स में। तो एक काफी सिग्निफिकेंट मूव हमको देखने मिला पीएफसी में पिछले कुछ ही दिनों में। तो इस तरीके के मूव्स को हम काफी आसानी से स्कैन कर सकते हैं फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट के साथ। तो मैं कैसे फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज करता हूँ, इंटरप्रेट करता हूँ, वो मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो के थ्रू। सो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो मैं जब फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट को देखता हूँ तब मैं उसे प्राइस के साथ कंबाइन करके देखता हूँ एंड देखता हूँ कि नरेशन क्या आ रहा है, उससे सेंटिमेंट क्या मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। तो देखिए, अभी तीन चार चीजें हो सकती है। ओके, सो नोटपैड पे लिख लेते हैं ताकि हम पहले समझते हैं कंसेप्ट एंड देन फिर एक्चुअली इसे ट्रेडिंग में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, देन वो भी हम समझ लेंगे। तो पहला हो सकता है कि प्राइस ऊपर जाए एंड उसके साथ साथ ओआई भी ऊपर जाए, तो हम इसको कहेंगे लॉन्ग बिल्टअप। ओके, तो यहाँ पर जो मैं सेंटिमेंट ड्राइव करता हूँ वो होता है बुलिश। फिर दूसरा सिनारियो ये हो सकता है कि प्राइस डाउन एंड ओपन इंटरेस्ट अप। ठीक है, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट बिल्टअप कहता हूँ एंड यहाँ पर एक बेरिश सेंटिमेंट में ड्रॉ करता हूँ मार्केट में। फिर तीसरा सिनारियो ये हो सकता है कि प्राइस भी नीचे जाए एंड ओपन इंटरेस्ट भी नीचे जाए। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डिप आया है प्राइस में, प्राइस तो यहाँ पर भी नीचे गया, शॉर्ट पर भी नीचे गया एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग में भी नीचे गया। बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जब लॉन्ग अनवाइंडिंग में प्राइस नीचे जा रहा है तो वो ओपन इंटरेस्ट कम होने के चलते जा रहा है, तो जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है वो अनवाइंड होने की वजह से यहाँ पर प्राइस में एक डिप हमको देखने मिला है। तो इसको हम कहेंगे टेम्पररी पॉज। ठीक है, या फिर हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं, एक प्रॉफिट बुकिंग डिप। ओके, फिर इसके बाद आता है प्राइस ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, ये बेसिकली यही सिनारियोज होंगे मार्केट में। प्राइस ऊपर जा सकता है एंड उसके साथ साथ ओपन इंटरेस्ट नीचे जा सकता है। तो अभी प्राइस ऊपर तो लॉन्ग में भी गया, यहां पर भी गया, बट यहाँ पर जो प्राइस नीचे जा रहा है वो ओपन, जो प्राइस ऊपर जा रहा है वो ओपन इंटरेस्ट नीचे जाने के चलते आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे शॉर्ट कवरिंग। ओके, तो ये हम इसे कहेंगे रेस्पाइट। ठीक है, ये जनरली एक रिलीफ होता है बाजार में। आपने देखा होगा ना, एक स्टॉक बहुत जोर से गिरता हुआ आता है एंड सडनली छोटा से अप मूव्स आते हैं स्टॉक में, फिर गिरावट आती है, तो इसको हम कहेंगे रेस्पाइट। या फिर आप कह सकते हैं इसे शॉर्ट्स आर गेटिंग कवर्ड ड्यू टू विच देयर इज एन अप मूव। ठीक है, यहाँ पर जो अप मूव आ रहा है तो वो क्यों आता है? वो एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशंस कवर होने के वजह से आ रहा है। तो आप जनरली सिर्फ आप प्राइस एंड ओपन इंटरेस्ट का कॉम्बिनेशन के साथ भी सेंटिमेंट्स गेज करेंगे देन काफी आसान है हम सभी के लिए। बट जब भी मैं बिल्टअप डेटा देखता हूँ तो एक दिन पर ज्यादा फोकस नहीं करता कि सिर्फ एक दिन पर क्या हो रहा है। व्हाट आई मीन है, सिर्फ आज क्या हो रहा है मेरा ध्यान उस पर ज्यादा नहीं है। हिस्टोरिकली रिसेंट मोस्ट डेटा में स्टॉक में क्या बिल्टअप आया है मैं उस पर भी बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ। क्यों ज्यादा फोकस करता हूँ? क्योंकि वो मुझे बताएगा कि वो स्टॉक में ट्रेंड क्या एग्जिस्ट करता है। तो एक बार मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि हमको जनरली ढूंढना क्या है। ओके, तो लेट्स से अगर मुझे तेजी करना है देन जनरली मैं ये कुछ सेटअप ढूंढना चाहूंगा जहां पर लॉन्ग हो रहा है देन डिप आ रहा है लॉन्ग अनवाइंडिंग के वजह से। ठीक है, अभी मुझे कैसे पता लगेगा कि ये जो डिप आया है वो लॉन्ग अनवाइंडिंग के वजह से आया है या शॉर्ट के वजह से आया है? सिंपल, मैं ओपन इंटरेस्ट देख लूंगा। अगर ओपन इंटरेस्ट नीचे गया है यहाँ पर, ये डिप में, ये जब प्राइस गिरा तब ओपन इंटरेस्ट नीचे गया, दैट मींस लॉन्ग अनवाइंडिंग। सिमिलरली फिर लॉन्ग आता है देन फिर एक टेम्पररी पॉज आता है, फिर गिरावट आती है एंड देन अगेन लॉन्ग अनवाइंडिंग हो जाता है एंड देन अगेन यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है स्टॉक में। तो अगर मुझे तेजी करना है, ठीक है, अगर मुझे बुलिश सेटअप ट्रेड करना है, अगर एक बुलिश ट्रेड क्रिएट करना है, देन मैं क्या ढूंढता हूँ? मैं ये ढूंढता हूँ कि वो स्टॉक में बहुत ज्यादा लॉन्ग हो एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग भी होगा तो भी चलेगा। ठीक है, मेजरली मुझे चाहिए कि वो स्टॉक में लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग का स्ट्रक्चर फॉलो हो, एक पैटर्न फॉलो हो। ठीक है, ये चीज मुझे ढूंढना है कि रिसेंट मोस्ट डेटा में स्टॉक में बहुत ज्यादा लॉन्ग या तो लॉन्ग अनवाइंडिंग मुझे नजर आना चाहिए। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। तेजी करना है तो, मंदी करना है तो क्या ढूंढूंगा? सिंपल, शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग, देन अगेन हो सकता है इंस्ट्रूमेंट में शॉर्ट है। ओके,
एंड देन अगेन एक शॉर्ट कवरिंग के वजह से थोड़ा अप मूव आया, ओके, एंड देन अगेन एक शॉर्ट के वजह से गिरावट आया। तो मैं ढूंढना क्या चाहता हूँ, सिंपल, मैं ढूंढना ये चाहता हूँ, अगर मुझे एक बेरिश ट्रेड अगर क्रिएट करना है, तो लेट्स से बेरिश ट्रेड अगर मुझे क्रिएट करना है, देन मैं शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग का कॉम्बिनेशन ढूंढना चाहूंगा, कि कोई ऐसे ऐसा इंस्ट्रूमेंट अगर मुझे मिलता है कि रिसेंट मोस्ट डेटा में बहुत ज्यादा शॉर्ट्स एंड शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, वो स्टॉक मेरे रेडार लिस्ट पर रहेगा मंदी के लिए। तो दो चीज कर सकता हूं मैं बाजार में, या तो तेजी या मंदी। तेजी करना है लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग ढूंढूंगा मैं, मंदी करना है शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग ढूंढूंगा मैं रिसेंट मोस्ट डेटा में। तो अभी ये कैसे हासिल करूंगा मैं, ये किस तरीके से जाकर मैं कर सकता हूँ? तो सिंपल, हमको कॉन्सेप्ट पर आ जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आई कार्ड में भी होगा, अगर एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं किया है देन डाउनलोड लिंक भी होगा एप्लीकेशन का, आप उसे आईओएस एंड्रॉइड एंड वेब पर, ऑब्वियसली मैं स्क्रीन शेयर कर ही रहा हूँ, तो आप हर एक प्लेटफॉर्म पर उसे एक्सेस कर सकते हैं। अभी सर्च पैनल में आ जाना है आपको एंड सर्च करना है साइकिल। आप बिल्टअप स्क्रिप्ट साइकिल भी सर्च कर सकते हैं, सिर्फ साइकिल भी सर्च कर सकते हैं, तो आपको ये बता देगा। सो हमको सिलेक्ट करना है बिल्टअप स्क्रिप्ट साइकिल। तो जो हमने पढ़ा ना अभी थोड़े टाइम पहले थियोरिटिकली, लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग, ये आपको मैन्युअली कुछ करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर साइकिल आपको बता देगा कि कौन सा स्टॉक में क्या दिन पर क्या बिल्टअप आया। जैसे कि ग्रीन जो बॉक्सेस है वो बता रहे लॉन्ग बिल्टअप हुआ था, ब्लू बॉक्सेस बता रहे लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ था, रेड बॉक्सेस बता रहे शॉर्ट हुआ था, येलो बॉक्सेस बता रहे शॉर्ट कवरिंग हुआ था। आपको डेट्स भी नजर आएगा कि क्या दिन पर क्या बिल्टअप आया था, काफी आसान है। अभी यहाँ से बेस्ट पार्ट क्या है कॉन्सेप्ट का, कि हमको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कोई मैथमेटिक्स, कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलास लिखने की जरूरत नहीं है, या देखने की भी जरूरत नहीं है फॉर दैट मैटर। हमको सिंपल कलर कोड्स के थ्रू यहाँ से हम एक ट्रेंड को गेज कर पाएंगे, ट्रेंड को पकड़ पाएंगे, ठीक है? तो ये बाय डिफॉल्ट हमको पिछले 20 दिनों का डेटा बता रहा है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे रीसेंट मोस्ट डेटा पर फोकस करना, तो पिछले 10 दिन का ही डेटा कंसिडर करो। देन एप्लीकेशन हमको पूछ रहा है कि रीडिंग यानी हमको ढूंढना क्या है, हमको खोजना क्या है। तो सिंपल है, तेजी करना है तो लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग ढूंढना है, मंदी करना है तो शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग ढूंढना है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे तेजी करना है, तो मुझे ढूंढना है 10 दिन में से लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो एक फीचर, एक इनपुट एनेबल हुआ है जो है काउंट। तो यहाँ पर एप्लीकेशन आपसे इनपुट मांग रहा है कि आपको 10 दिन में से लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग तो ढूंढना है, वो ठीक है, बट कितने दिनों के लिए कम से कम लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग ढूंढना है। मैं कह रहा हूँ साहब कि मुझे वो सारे स्टॉक्स बता दीजिए जिसमें पिछले 10 दिनों में से 7 दिन कम से कम या तो लॉन्ग हुआ या तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ, यानी कि 70% ऑफ डेटा रिसेंट मोस्ट डेटा में से मुझे चाहिए कि वो तेजी के साइड का डेटा हो। कैसे मुझे पता लगेगा? लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग के फिल्टर के थ्रू, ठीक है? तो मैंने जब शुरू किया तब मैंने क्या बताया कि मुझे ढूंढना है कि कहाँ पर रिसेंट मोस्ट डेटा में एक बुलिश पैटर्न फॉर्म हो रहा हो। तो मैंने सेम इनपुट साइकिल को दिया एंड यहाँ पर मैं अभी अप्लाई हिट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी हमारे सामने एक लिस्ट आया हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको काफी हरियाली चहकता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि आ रहा होगा क्योंकि हमने फिल्टर ही कुछ ऐसा लगाया है, ओके। एंड यहाँ से अगर आप पीएफसी में देखेंगे, सो सर्च पैनल में आप आपका पसंदीदा इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं सर्च करके, कि आपका कोई फेवरेट इंस्ट्रूमेंट आ रहा है क्या, यहाँ पर ये पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या। तो जैसे कि अगर आप पीएफसी में देखेंगे तो पहले तो साइकिल आपको बता रहा है कि ओके यहाँ पर 10 दिन में से 7 दिनों का लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग पैटर्न फॉलो कर रहा है पीएफसी। मेरा पहला टेस्ट पास हो गया कि ये स्टॉक में एक बुलिश सेटअप एग्जिस्ट करता है, एक बुलिश पैटर्न एग्जिस्ट करता है, एक बुलिश साइकिल एग्जिस्ट करता है, वो साइकिल है लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग का। अभी मैं ये डेटा पर थोड़ा एक क्लोजर लुक डालना चाहूंगा कि ये जो पीएफसी में यहाँ पर हुआ वो एक्चुअली क्या हो रहा है, एक स्टेप क्लोजर जाना चाहता हूँ। तो वो चीज करने मैं आ जाऊंगा फ्यूचर OYH में। मैं यहां से भी आ सकता हूँ, या फिर मैं अगर न्यू टैब पर हूँ देन मैं यहाँ पर सर्च पैनल में सिंपल हिस्टोरिकल अगर मैं सर्च करता हूँ, सो लेट्स से हिस्टोरिकल, तो हम यहाँ पर आ जाना है बिल्टअप स्क्रिप्ट OY हिस्टोरिकल। तो अभी हम आ चुके हैं फ्यूचर OYH में, तो स्ट्रॉन्ग अपमूव तो हमको देखने मिला, बट अगर आप पहले डेटा देखेंगे तो काफी कंसॉलिडेट हुआ पीएफसी, एंड ये जो मार्जिनल लॉन्ग्स है वो उसे ब्रेक नहीं कर पा रहा है। स्टॉक जो है प्योर कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है स्टॉक में। प्लस यहाँ पर अगर आप देखेंगे
ये सारा ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है। देखिए यहां पर था ओआई पार्टिसिपेशन, तो लेट मी जस्ट ड्रॉ। तो देखिए यहां पर था ओआई पार्टिसिपेशन, वो कम होता गया होता गया होता गया, राइट। ज्यादा कुछ एक्शन हो नहीं रहा है स्टॉक में ओपन इंटरेस्ट पार्टिसिपेशन के चलते। एंड यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा क्वांटम एडिशन देखने मिला ओआई में। अगर आप देखेंगे एक लॉन्ग बिल्टअप नजर आया हमको सिस्टम में, यहाँ पर अगेन एक लॉन्ग बिल्टअप नजर आया। एंड फाइनली यहाँ पर एक ह्यूज लॉन्ग बिल्टअप नजर आया हमको पीएफसी में। ये पूरा जो कंसोलिडेशन था, ठीक है, यहाँ पर तो लॉन्ग्स ब्रेक नहीं कर पाए उसे, बट फाइनली ये जोन में, क्योंकि लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग का पैटर्न एग्जिस्ट करना स्टार्ट किया इंस्ट्रूमेंट में, तो एक अच्छा मूव हमको देखने मिला, एक ब्रेकआउट देखने मिला। जो ब्रेकआउट सस्टेन कर गया पीएससी में, तो वो सस्टेन क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर आप साइकिल देखेंगे, रिसेंट मोस्ट साइकिल क्या है, क्लीन लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग का साइकिल विद सिग्निफिकेंट ओपन इंटरेस्ट पार्टिसिपेशन, जिसके वजह से हमको एक 13% का अप मूव हमको देखने मिला पीएफसी में। तो अभी हमको करना क्या है, हमको ये मूव्स किस तरीके से ढूंढना है, सिंपल। हमको आ जाना है बिल्टअप साइकिल में, फिल्टर लगा देना है अगर तेजी करना है, 10 में से 7 दिन लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ पर हो रहा है वो मैं खोज लूंगा। अगर मंदी करना है देन मैं शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग कहाँ हो रहा है 10 में से 7 दिन वो मैं खोज लूंगा, ठीक है। उसके बाद रिसेंट मोस्ट कैसे क्वांटम बिल्ड हो रहा है वो स्टॉक में, मैं वो देखूंगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जो क्वांटम है वो कम होता जा रहा है, मुझे नजर आ रहा है जो साइज है बार का उसके वजह से। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्वांटम बिल्ड होता जा रहा है, जो रिसेंट मोस्ट साइकिल है वो क्वांटम के साथ बैकडअप है, जिसके वजह से एक अच्छा मूव हमको देखने मिला पीएफसी में। सो सिंपल सा दो साइकिल याद रखिए, तेजी करना है लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग, मंदी करना है शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग। तो आज ही अनलॉक कीजिए कॉन्सेप्ट बिल्टअप साइकिल एंड स्कैन कीजिए कुछ इस तरीके से मूव्स काफी आसानी से।